अभी हम बात कर रहे थे बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जब रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिसीजेज की रेट कम हो जाती है, और मैरिज वगैरह की एज के चक्कर में जब आपका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन की ग्रोथ के फॉर्म में। तो पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करें, तो वो सारी स्ट्रेटजीज कहलाती हैं बर्थ कंट्रोल, सारी मेथड्स जिससे आप बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल। यहाँ पे हमने मेनली उन मेथड्स को इन्वॉल्व किया हुआ है जो कि बायोलॉजिकल तरीके से, मतलब बॉडी के फॉर्म में या मॉर्फोलॉजिकली रिप्रोडक्शन को रोकने का काम करती हैं। रिप्रोडक्शन की जो फेजेज होती हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह, उन सारी चीज़ों को सीज कर देती है, उसकी वजह से आगे बेबी का बॉर्न नहीं हो पाता है। तो मेनली अगर डिफाइन करें बर्थ कंट्रोल को, तो दो तरह की मेथड्स होती हैं इसमें इंक्लूड, एक होती है नेचुरल मेथड और एक होती है आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड इस तरह की मेथड कि जहाँ पे आपने किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, कोई भी टेक्निक यूज नहीं की है, ना कोई मशीनरी यूज की है, बस सिर्फ आपने नेचुरल जो आपके पास रिसोर्सेज थे उसी से आपने बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश की है, रिप्रोडक्शन को रोकने की कोशिश की है। तो जो भी चीज़ नेचुरल होती है उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। हो सकता है कि ये थोड़ी रिस्की हो, लेकिन जो भी नेचुरल प्रोसेस होती है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज इंक्लूड नहीं है जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सके, आपकी किसी भी प्रोसेस को हार्म कर सके। तो नेचुरल प्रोसेस अपनाने से हो सकता है कि कुछ हद तक ये आपको कभी कभी फेलियर दे दे, कि अगर आपने ये प्रोसेस यूज की है और हो सकता है कि आगे जाके ये रिप्रोडक्शन के फॉर्म में आपको देखने मिल जाए, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होती है तो सीधी सी बात है कि इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कोई भी डिफेक्ट के फॉर्म में आगे आपको देखने नहीं मिलेगा। मेनली तीन मेथड होती है नेचुरल मेथड, सबसे फर्स्ट है इसमें पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड होती है कोइटस इंटरप्टस, एंड थर्ड है लैक्टेशन अमीनोरोया। तीनों के अलग अलग फीचर्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस वर्ड से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, पेरियोडिक मतलब ये टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है, और एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंस किसी भी चीज की। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की एब्सेंस की बात कर रहे हैं, एक निश्चित इंटरवल पर, एक डेफिनेट टाइम पीरियड पर, जो की है हमने बात की है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो एक 1 से 28 डेज के बाद एक रिपीटेटिव मेथड, रिपीटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का, जो हर एक मंथ पे रिपीट करता है अपने आप को। इसमें रिलेटेड है ओव्यूलेशन, मतलब ओवम का फॉर्मेशन, ओवम का रिलीज होना, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वगैरह, इन सारी पूरे एक महीने में ये रिलेटेड होता है। तो हमें पता है कि जब बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है और ओवम रिलीज हो रहा है, तो ये वो टाइम है जब फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली हो सकता है। अगर इंसेमिनेशन होता है और स्पर्म के कांटेक्ट में ओवम आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इस टाइम पर जल्दी हो सकता है। तो क्यों ना हम उस टाइम को ही मतलब एस्केप कर जाएं, कि जिस टाइम में ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम का फॉर्मेशन हुआ है, और वो ओवम कैपेबल है कि 2 से 3 दिन की उसकी वो होती है, जैसे 14th डे पर, हमें पता है 14th या 15th डे पर ओवम रिलीज होता है ओवरी से, और वो एंटर कर जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसके बाद 2 से 3 दिन वो ससेप्टेबल पीरियड होता है जब फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली हो सकता है। तो हम ओव्यूलेशन के टाइम से ही क्यों ना सेक्सुअल प्रोसेस को सीज कर दें, क्यों ना हम जो कोइटस हो रहा है, जो मतलब कपुलेशन होता है मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में, उसे हम रोक दें उस टाइम के लिए। तो अवॉइडिंग ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स कह रहा था मेल और फीमेल पार्टनर का साथ में आना, और मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू इंटरेक्शन को हम इंटरकोर्स कहते हैं, फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 10 से 17 डेज तक वो ससेप्टेबल पीरियड माना जा सकता है, क्योंकि जो हमें पता है ओव्यूलेशन, ओवम फॉर्मेशन हो जाता है 12 से 13 दिन, और ये रिलीज हो जाता है 14th to 15th डे पर। लेकिन बॉडी है, कभी कोई चीज फिक्स नहीं हो सकती, हो सकता है कि टाइम से पहले हो जाए, तो ये रिलीज हो सकता है 10th डे पर भी रिलीज हो सकता है कभी कभी, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हमने एक पीरियड लिया हुआ है 10 से 17 डेज, मतलब ओव्यूलेशन होने के 2 से 3 दिन बाद तक जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है, अगर हम उस टाइम के लगभग 1 हफ्ते के टाइम को हटा दें और उसके अलावा अपने सेक्सुअल रिलेशन को कंटिन्यू रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपकी प्रेगनेंसी सीज हो सकती है उसके बाद, क्योंकि वो पीरियड होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो रिलीज हो जाता है। मतलब पहले वो आएगा कहाँ पर,
यूटेरस में आएगा और मूव करते हुए बॉडी से बाहर जाता है। तो इस टाइम में अब कोई रिस्क नहीं है और इंटरकोर्स हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस थी नेचुरल मेथड की, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो यहाँ भी हमने कोई भी टेक्निक यूज नहीं की है साइंटिफिक, ना ही कोई ड्रग यूज किया है। तो यहाँ से आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड है क्वाइटस इंटरप्टस, रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम एजेकुलेशन। तो हमें पता है कि पेनिस एंटर करता है वेजाइना के अंदर और इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है जिससे स्पर्म रिलीज हो जाते हैं और आगे जाके वो ओवम से फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाने का काम करते हैं। तो वो बेसिक सब्सटेंस सीमेन है जो कि अंदर जाके स्पर्म, मतलब जिसमें स्पर्म प्रेजेंट है और वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो क्यों ना हम इस मेन सब्सटेंस को ही अंदर ना पहुंचने दें। तो वो मतलब पूरा क्लाइमैक्स टाइम जिसके बाद सीमेन रिलीज होता है पेनिस से, तो अगर उसे उस टाइम के पहले ही रिमूव कर दिया जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, मतलब वेजाइना से, तो इस चीज से आप एस्केप कर सकते हो, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और कोई भी कंसीविंग के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकेंड मेथड है कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस ये हमें पता है कि कपुलेशन को इंडिकेट करता है ये टर्म, और इंटरप्टस मतलब अगर इसे इंटरप्ट कर दिया जाए, इसकी जो नेचुरल प्रोसेस होती है इसे इंटरप्ट कर दिया जाए, किस तरीके से ये पेनिस को रिमूव कर लिया है एजेकुलेशन के पहले ही। फिर इसके बाद थर्ड है लैक्टेशन अमीनोरोइया। हमें पता है कि जब भी परचुरीशन होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बाद लैक्टेशन का पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें मदर फीड कराती है बच्चे के लिए उसके प्रॉपर डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाता है कि जब तक प्रॉपर तरीके से लैक्टेशन होता रहता है, बेबी डिपेंड रहता है मदर के ऊपर, मतलब लगभग 6 महीने की प्रोसेस, 5 से 6 महीने तक बर्थ के बाद, 5 से 6 महीने तक का वो पीरियड जब पूरी तरह से डेवलप होता है और अच्छी तरीके से फीडिंग कराई जाती है बच्चे के लिए, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। और हमें पता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी तो कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस वगैरह हैं वो बंद होते हैं। तो इस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब इंटरकोर्स है वो मतलब स्मूथली रन कर सकता है बिना किसी प्रेगनेंसी के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन अमीनोरोइया। As long as the mother feeds the child fully, chances of pregnancy are nil. यहाँ पर pregnancy के chance nil हो जाते हैं क्योंकि MC बंद हो जाती है, मतलब menstrual cycle बंद हो जाती है उस time, बंद रहती है उस time के लिए। फिर इसके बाद क्या है, birth control की second phase की तरफ अब चलते हैं, जो कि artificial methods है। artificial methods जिनको invent किया गया है, जिनमें biological element डाले गए हैं, जिनमें technical element डाले गए हैं, और इनसे जो methods बनाई गई है उनको कहते हैं हम artificial methods। जब भी बात आती है आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज की हुई चीजों के यूज की, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए साइड इफेक्ट कॉज कर सकती हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि ये 100% प्रूफ होती हैं, मतलब आप इनसे कभी भी निराश नहीं हो सकते, हमेशा ये वर्क करते हैं। लेकिन इनके काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं और साइड इफेक्ट ये बॉडी पर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, इसकी वजह से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। कई तरह के ये केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, कई इनमें टेक्निकल चीज़ें होती है जैसे मेटल्स वगैरह हैं, तो वो आपकी बॉडी से रिएक्ट करके साइड इफेक्ट करने का काम कर सकती हैं, जो कि आपकी जनरल अपीयरेंस में दिख सकता है, आपकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज में दिख सकता है, और आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने मिल सकता है। तो आर्टिफिशियल मेथड्स की अगर बात करें तो मेन 3 मेथड होती है, फर्स्ट है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव, सेकंड है स्टेरिलाइजेशन, एंड थर्ड है MTP। तो कॉन्ट्रासेप्टिव है फर्स्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है, यहाँ ये वर्ड मिलके बना है कॉन्ट्रासेप्शन से। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड, कोई भी एक ऐसी मेथड जो प्रिवेंटिव है, जो बचाव करती है कंसेप्शन से और उसे रेगुलेट करने का काम करती है। कंसेप्शन मतलब कंसीविंग, गर्भधारण करना, कंसीविंग को कंसेप्शन बोलते हैं। अगर इसे किसी मेथड के थ्रू प्रिवेंट किया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हमें पता है कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टाइल करना, और सेकेंड है स्टेरिलाइजेशन मतलब किसी चीज को आप पैसिव कर दो, इनएक्टिव कर दो, तो वो चीज कहलाती है स्टेरिलाइजेशन। 2 तरीके से होती है, एक वैसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड है MTP, इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकल फील्ड के थ्रू अगर आप प्रेगनेंसी को वैलिड तरीके से टर्मिनेट कर दो या उसे सीज कर दो तो या अबॉर्ट कर दो, तो उसे हम कहते हैं MTP।
सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो अगर एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाए कि अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर क्या है, तो सबसे पहला वो होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, मतलब जो भी उसे यूज कर रहा है वो उसके साथ सही तरह से बर्ताव करे, सही तरह से इंटरेक्ट करे, किसी तरह से मतलब उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। हमने यहाँ कंडीशन रखी है आइडियल, कोई भी चीज नेचर में पूरी तरह से आइडियल नहीं होती है, कुछ ना कुछ यहाँ के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम एक 100% लेके चलते हैं कि वो यूजर के साथ फ्रेंडली रहेगा और पूरा फायदा देने की कोशिश करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। सेकेंड होता है इजीली अवेलेबल, आपके पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, प्राइस के हिसाब से वो इस तरह से होना चाहिए कि आप उसे बाय कर सकें या खरीद सकें। अगर वो इस तरह से नहीं होगा, कॉस्टली होगा और वो बहुत डिस्टेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, तो ये आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ये आपको सही फंक्शन नहीं दे रहा है, सही तरीके से आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड है इफेक्टिव, जो चीज जिस काम के लिए बनाई जाती है वो उसमें परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब उसका अगर काम कंट्रासेप्शन का है तो वो पूरी तरह से उसे फुलफिल करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो फेलियर कर जाए बीच में, वो सही तरह से बिहेव ना करे, उसकी जो टाइम पीरियड है वो उतने ही टाइम पीरियड में अपने काम को पूरा करे। तो ये सारी चीजें कहलाती है इफेक्टिव एलिमेंट के अंदर आती है। उसके फिर इसके बाद है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल ऐसा मतलब आप थोड़े मतलब बहुत छोटे पीरियड के लिए आप रिप्रोडक्शन को सीज करना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे स्टेबल फॉर्म में चाहते हैं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी चली जाए, तो रिवर्सिबल है वो इस तरह से होने चाहिए कि आप यूज कर रहे हैं जितने टाइम के लिए आप चाहते हैं वो सिर्फ उतने टाइम के लिए फंक्शन करे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं फिर से नॉर्मल रिप्रोडक्शन लाइफ की, फिर से बॉर्न हो बेबी का कोई नया ऑर्गेनिज्म आए, तो वो उस टाइम पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और आपकी जो मतलब मैकेनिज्म है बॉडी की उनको सीज करने का काम ना करे और उनको मतलब ऐसा है कि स्टॉप ना कर दे, जैसे गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस वगैरह है उनको स्टॉप ना करे ये अपने यूज होने के टाइम पर। फिर इसके बाद है नो साइड इफेक्ट, बॉडी पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके हो सकता है बॉडी स्किन में देखने मिल रहा है आपके लिए हार्मोनल कंट्रोल की वजह से आपके बाल चले गए, कुछ हो गया है या किसी भी तरह के साइड इफेक्ट जो आपकी बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं इनके कारण नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब आप किसी एक फायदे के लिए कर रहे हैं तो उस फायदे के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपका दूसरा नुकसान हो जाए। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ आइडियल फीचर है कि ऐसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव, रिवर्सिबल एंड बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव को अगर डिवाइड करें आगे इसकी ब्रांचेस बनाए तो दो टाइप से इसे डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सेकेंड होती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ऐसे मेथड्स या ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं ओरली लेने के थ्रू, पहले में बेसिकली आती है टैबलेट्स एंड पिल्स जिनको आप ले सकते हो और जो अंदर बॉडी के अंदर जाके इस तरह से काम करते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक दें, आपकी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोक दें, तो या स्पर्म की एंट्री को ही रोक दें, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इनको मेनली बनाया जाता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। हमें पता है कि ये दो हार्मोन्स हैं जो मेनली वर्क करते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के मिक्स के प्रिपरेशन होते हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आगे जाके बॉडी के अंदर जाके ओव्यूलेशन जैसी प्रोसेस को, ओव्यूलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना ओवरी के अंदर से, तो उस चीज को रोक देंगे। अगर ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो आगे जाके स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रोक देंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक देंगे, इस तरह से ये मतलब प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। इसका अगर एक एग्जांपल लें तो अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में हमने बात की थी, सहेली CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि पूरी तरह से सेफ होता है, 100% वर्क कर सकता है। मेन इसकी खासियत ये है कि नॉन स्टीरॉयडल है, नॉन स्टीरॉयडल होने की वजह से ये बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट कम से कम करता है या बहुत इसके लेस साइड इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी पे या तो नहीं हो सकते हैं। और मेनली ये फीमेल के थ्रू लिया जाता है, फीमेल इसको लेने का काम करते हैं, फीमेल ऐसे ओरल पिल के फॉर्म में लेते हैं, मेल्स के लिए भी अलग अलग होते हैं। मेनली जो बनाए जाते हैं वो मार्केट में ओरल पिल्स फीमेल्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो ऐसी टेक्निकल डिवाइसेस, ऐसी छोटी छोटी सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं तो वो जो मतलब आगे जाके प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मेनली ये मैकेनिकल होती हैं,
और इनमें केमिकल सब्सटेंसेस भी इंस्टॉल किए जाते हैं किसी किसी में। तो दो तरह से फिर इसको डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट होता है आईयूडीज एंड सेकंड होता है बैरियर। तो आईयूडीज इसका पूरा नाम है इंट्रायूरेटाइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस मतलब जिनको डिवाइस यूटेरस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो डिवाइसेस कहलाती है आईयूडीज। इनका दूसरा नाम क्या है आईयूसीडी भी बोलते हैं इनको, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यहां हमें नाम से ही पता चल रहा है इनको यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो जो भी स्पर्म्स बॉडी के अंदर आ रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर आ रहा है, उसको ये ईट करते जाएंगे, फीड करते जाएंगे, खत्म कर देंगे। अब स्पर्म आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज नहीं कर पाएगा, तो ओवम के साथ इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। एंड सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म मूव कर रहे हैं पूरी स्पीड के साथ ओवम में, मतलब या वेजाइना के अंदर वाले पार्ट में, सर्वाइकल से आगे होते हुए ये पहुंच रहे हैं यूटेरस, यूटेरस के को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इनकी मोटिलिटी को ही कम कर देंगे और ये वेजाइना या सर्वाइकल कैनाल के यहाँ पर ही चिपके रह जाएंगे सारे के सारे। तो इनको मेन फॉर्म में तीन टाइप से डिवाइड किया जा सकता है इनके फंक्शनिंग के बेसिस पर, कि किस कौन कौन से उनमें फंक्शन करने वाले सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट होता है कॉपर रिलीजिंग, सेकंड होता है हार्मोन रिलीजिंग, एंड थर्ड होता है नॉन मेडिकेटेड। तो कॉपर रिलीजिंग की खासियत ये है कि यहाँ पर कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। कॉपर आयंस हमें पता है कि थोड़ा एसिडिक बिहेवियर हो जाता है इनकी वजह से, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। इनकी एग्जांपल के फॉर्म में हम बात करते हैं कॉपर टी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी एड वगैरह भी आती रहती है डिजिटल मीडिया के थ्रू, टीवी वगैरह पर देखा जाता है कॉपर टी दिखाते हैं वो। कॉपर सेवन मल्टीलोड 375 इनको यूटेरस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब इंजेक्ट नहीं इंस्टॉल किया जाता है, और ये रिलीज करते हैं कॉपर आयंस एक फ्रिक्वेंसी पर लिमिटेड डोजेज में। जब भी चाहे आप इनको निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, कि आप कितना गैप चाहते हैं दो जनरेशन के बीच में या दो चाइल्ड के बीच में, उस हिसाब से इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। रिवर्सिबल होते हैं पूरी तरह से और इनके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। सेकेंड है हार्मोन रिलीजिंग। यहाँ पे हम देख रहे थे इसका मेन कॉम्पोनेंट कॉपर था, यहाँ इसका मेन कॉम्पोनेंट होते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन जो आगे जाके सीज कर सकते हैं प्रोसेसेस को। इनके हॉर्मोन्स के डोज जो मतलब नॉर्मल होने चाहिए बॉडी में, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, या कुछ हॉर्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं इनकी वजह से, इन हॉर्मोन के रिलीज होने की वजह से, और जो भी प्रोसेसेस हैं वो सीज हो जाती है। इनका मेन एग्जाम्पल है LNG20, बहुत फेमस एक हॉर्मोन रिलीजिंग IUD है ये। और फिर इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो यूटेरस में हमें पता है इम्प्लांटेशन का काम होता है, जो जायगोट क्लीवेज की प्रोसेस में एंटर कर चुका है वो ब्लास्टुला की प्रोसेस तक आते आते डेवलप हो जाता है और फिर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के अंदर। तो इसे इम्प्लांटेशन के टाइम पर यूटेरस को ये अनसुटेबल बना देता है, वहां आके वो डेवलप नहीं हो पाता है और मतलब अटैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसे रिमूव होना पड़ता है और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड है नॉन मेडिकेटेड, मतलब ना ही यहाँ पे कॉपर है ना हॉर्मोन, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये मैकेनिकल डिवाइसेस है जिसकी वजह से ये स्पर्म की एंट्री वगैरह को रोकने का काम करती है। इसका मेन एग्जाम्पल है लिपेज लूप। फिर इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में सेकेंड आता है बैरियर। बैरियर मतलब जब आप जो पाथ है उसको रोकने का काम कर देते हैं, जो भी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां आपने मैकेनिकल तरीके से कुछ ना कुछ बैरियर लगाया हुआ है आगे, और वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे ना, ये हो सकता है ओवम मूव ना कर पाए या स्पर्म। तो अलग अलग टाइप के होते हैं ये, पूरी की पूरी ये मैकेनिकल डिवाइसेस होती है और स्पर्म की एंट्री को रोकने का काम करते हैं। तो मेनली इनके एग्जाम्पल्स है कॉन्डोम्स, फ्यूमिडोम्स, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वोल्ट्स। इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड है बहुत ज्यादा फेमस है, डायफ्राम भी यूज किया जाता है वेजाइनल ट्रैक्ट के यहाँ पर, और वोल्ट्स इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद सेकंड है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब जो भी आपके पास ट्यूब्स वगैरह है उनको आप स्टेरिलाइज कर देने का काम करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो हमें पता है कि टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म होते हैं और वास डिफरेंसिया से ऊपर होते हुए यूरेथ्रा से बाहर आते हैं। तो जब आप इस वैसेक्टोमी इस ट्यूब को ही कट कर देते हैं ताकि स्पर्म ऊपर ना आ पाए या मूव, स्पर्म जो फॉर्म होंगे वो आगे मूव करके बाहर नहीं आ पाएंगे यूरेथ्रल पार्ट से,
तो आपके जो मेन एक सब्सटेंस था जो जाइगोट फॉर्म कर सकता था आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो सीज हो गया है, वो आगे अब मूव नहीं कर पा रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये भी रिवर्सिबल है, आप टाइम के साथ इसे फिर से मतलब अनटाई कर सके, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे जाके प्रेगनेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ट्यूबेक्टोमी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है वो वैसेक्टोमी कहलाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो वहाँ उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो मेल के में हमें पता था कि टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म होके जाते हैं बासा डिफरेंसिया के थ्रू, और जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं ओवरीज। तो ओवरी से जब ओवा का फॉर्मेशन होता है तो ओवा फॉर्म होके जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। फेलोपियन ट्यूब आप अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे तो यहां से ये फॉर्म होते हैं और ये यहां पर ट्यूब लाइक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है और यहाँ से ट्यूब के थ्रू बाहर आता है और यहाँ से स्पर्म पहुंचते हैं और दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। तो अगर हम इस फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दें कि ये ओवम को अपने साथ ले जाने का काम कर पाए, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, जहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फेलोपियन ट्यूब को बीच में से कट कर देते हैं और ओवम आगे मूव नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसको आप टाइम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो आगे, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए है तो। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ चांसेस इसके ऐसे हैं कि ये कभी कभी फेल हो जाती है ये प्रोसेस। फिर इसके बाद थर्ड है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, तो एक तरीके से इसे बैनेड अबॉर्शन कहा जा सकता है कि जो भी मतलब एम्ब्रियो या फीटस है, एम्ब्रियो क्योंकि लगभग 12 वीक्स तक ये बैलेड होता है, उसके बाद मदर के ऊपर रिस्क बढ़ जाती है। तो 12 वीक मतलब लगभग 3 महीने तक, फर्टिलाइजेशन के 3 महीने के बाद तक MTP वर्क करती है जहां पे एबॉर्शन हो जाता है। और इसके लिए बैलेड रीजंस होने चाहिए कि जो मतलब चाइल्ड है हो सकता है उसका डेवलपमेंट सही से ना हो पाए बर्थ के बाद, या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए मदर के लिए, या आप नहीं चाहते हैं अभी इस समय पर कोई भी प्रेगनेंसी, तो उस केस में MTP को यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स थी जो बर्थ कंट्रोल के लिए अवेलेबल है, उसमें से कुछ नेचुरल है कुछ आर्टिफिशियल है, डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी नीड है और किस तरह से आप प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं।